गाइस, अगर हमने अपनी फॉर्म को कायम रखा तो हम सुपर लीग फाइनल में आसानी से पहुंच जाएंगे। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरा मतलब हमें। आपकी तबीयत बहुत खराब लग रही है कोच। कोच, आपको नहीं लगता आपको घर पर रहकर आराम करना चाहिए? आराम? तुम्हें टेक्निकली गेम के लिए फॉर्म में रखना बहुत जरूरी है। पर आपकी वजह से हम बीमार हो गए तो गेम होगी ही नहीं। प्लीज, इतनी भी बुरी हालत नहीं। मेरे ऊपर क्यों? ठीक है, मैं जाके आराम करता हूँ। हाँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम कीजिए कोच। डांसिंग रास्टर, मेरे ठीक होने तक तुम इंचार्ज होगे। मैं समझ गया कोच। ठीक है दोस्तों, पहले एक मिनट रास्टर, तुम्हें चाहिए होगा ये और एक विसल, मेगाफोन, फर्स्ट एड किट, सेकंड एड किट, फ्लैट कोन्स, ट्रेनिंग बिब्स, टैक्टिक्स बोर्ड, योगा मैट और स्पेयर बॉल्स। ओ, सबसे जरूरी चीज वो क्या कोच? गुड लक। वार्म अप हो चुका, तो अब थोड़ी फुटबॉल हो जाए। टाइगर, स्विच इट। चेक, जल्दी खाली जगह पर। तू जो क्रॉस, डांसिंग रास्टर। ओ, वो तो मैं ही हूं। एल मेटाडोर। नॉट बैड। नाउ मुड़ो, ऊपर उठाओ। गुड, अप, जंप। गुड बॉय रेफ। क्या स्ट्राइकर्स की जीत का सिलसिला जारी रहेगा? आखिर आ गई। हेलो कोच, मैं बीमार हूँ, बहुत बीमार। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे मैं अपने बॉयज के साथ फील्ड पर पहुंच सकूं। समझ गया, मैं इसके बारे में कुछ कर। बर्दाश्त कर। आ जाओ कैप्टन कोच ड्यूड। हैरान होने की जरूरत नहीं है, प्रोफ ने मेरे कहने पर यह डिवाइस बनाई है। मैं अपने घर में आराम से बैठकर तुम्हें कोचिंग का। ऑल राइट, अब जब हम एक दूसरे को आराम से देख पा रहे हैं, चलो प्रैक्टिस शुरू करें। ये कोचिंग उस कोचिंग से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बढ़िया ब्लॉक। टाइगर, बैक स्पिन के लिए अपने रिस्ट्स को फ्लिक करो। शेक, नॉन स्ट्राइकिंग फुट पर ध्यान दो। एल मेटाडोर, प्रैक्टिस अभी खत्म नहीं हुई है। डांसिंग रास्ता, क्लॉज को पास करो। क्लॉज, एल मेटाडोर को। Back heel to shakes. Shakes. हाँ, मैं समझ गया कोच। Nice boys. ऐसे ही खेलते रहे तो टेक्निकली को हमसे हारना ही पड़ेगा। हाँ, कोच। No problem, coach. Drone dude. हमें
प्रेस स्ट्राइकर लैंड में जहां कल टेक्निकली और सुपर स्ट्राइकर्स के बीच मैच से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और लगता है अफवाहें बिल्कुल सच थी। नई टेक्निकली टूर बस सच में बहुत ही कमाल की है। टोनी तुम कमाल हो, फिर से कर दिखाया। तुम्हारी बनाई बस ने हंगामा मचाया। ये तो बहुत ही बड़ी बस है। क्या नाम दिया टोनी? तुम उसे कह सकते हो जीनियस। पर इतनी बड़ी बस की क्या जरूरत थी? वो एक चलता फिरता घर है, उसमें मेरे बॉयज की जरूरत की हर चीज है। एक चीज जो आपके बॉयज को बहुत अच्छी लगेगी वो है सुपर स्ट्राइकर्स को हराना। तो स्ट्रेटजी क्या है टोनी? वो मैंने कुछ नई ड्रिल्स की हैं और कुछ टैक्टिकल कैलिब्रेट किए हैं। सुनो, कम से कम मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने का टाइम तो निकाला है। सॉरी, मुझे देर हो गई। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। बहुत सही चीज है। कितना कमाल का है। उन्होंने बस एक ड्रोन पर एक टैबलेट लगाया है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इससे आने जाने का टाइम तो बचता है ना। अब कोई सवाल है? सुनिए डांसिंग रास्ता, तुमने बहुत अच्छी कोचिंग दी। कोचिंग रास्ता, हाँ बहुत मजा आया। ये करो वो करो, ब्लामो गोल। और भी ज्यादा मजा आता अगर कोच वापस ना आ जाते। किसी को पता नहीं है कि ब्रेक कब लेना है। गाइस, मुझे भी मजा आया, पर कोच हमारी रिस्पेक्ट और कोऑपरेशन डिजर्व करते हैं। भरोसा रखो, उन्हें पता है वो क्या कर रहे हैं। थोड़ा टाइम लगा पर अब अच्छे से कंट्रोल हो रहा है। ये डिवाइस पक्का सुपर लीग अप्रूव्ड नहीं है। ओ, मैंने सुपर लीग हेडक्वार्टर्स में फोन किया था और ये पूरी तरह से लीगल है, इसे कोई भी कर सकता है। टोनी, तुम हो जीनियस और ये है एक फैक्ट, पर कार्पेट में लगाना चाहिए ऑटो रिट्रैक्ट। टोनी, इसमें बहुत कम जगह है। मेरी पूरी बॉडी। हमें असली बेड्स क्यों नहीं दिए? हाँ टोनी, हम होटल में क्यों नहीं रुक सकते हैं? क्योंकि अगर तुम सब इतनी बड़ी बस में सोओगे नहीं तो लोगों को शक हो जाएगा, और अगर इसमें बेड्स लगाएंगे तो जगह ही नहीं बचेगी उन चीजों के लिए जो शक के लायक है। टोनी, हाय, मेरे पैर दुख रहे हैं। अगर हम इस तरह सोएंगे टोनी तो हम सुपर स्ट्राइकर्स को कैसे हरा पाएंगे? ओ प्लीज, जैसे तुम लोग हमेशा जीतते ही रहते हो। ये नहीं मानेंगे। तुम्हारी जीत सिर्फ इस पर डिपेंड करेगी कि इंचार्ज कौन होगा। बिगिन फेशियल मैपिंग। Now, initiate voice match. 1, 2, 3. Strike line में मैच का दिन। मुझे लगा था कि अपनी लग्जरी बस में रात बिताने के बाद टेक्निकली बेटर शेप में होंगे, पर कम से कम वो सामने तो है। सुपर स्ट्राइकर्स के कोच तो अपना काम एक फ्लाइंग रोबोट से करवा रहे हैं। कम ऑन मैक, हो सकता है ड्रोन कोचिंग ही फ्यूचर हो। जल्द ही ये बीते जमाने की बात हो जाएगी ब्रेंडा। मैक, ध्यान से सुनो बॉय। सरप्राइज। इस गेम में दो भी हो सकते हैं कोच। अब ध्यान से सुनो, मैं जानता हूँ ये परफेक्ट नहीं, कुछ लोगों को इस ड्रोन से परेशानी हो रही होगी। नहीं कोच, पर हमें ये मैच जीतना है तो अब थोड़ी देर के लिए इस ड्रोन को भूल जाओ और वर्ल्ड क्लास फुटबॉल खेलने के ऊपर ध्यान दो। क्या कहते हो जाए? जरूर कोच। ये बहुत ही खतरनाक क्रॉस था। और सुपर स्ट्राइकर्स पूरी फॉर्म में दिख रहे हैं। यस, इसे कहते हैं वर्ल्ड क्लास फुटबॉल, और हम ये कर सकते हैं। हाँ? 8 तरीके जिनसे इस कोच ने अपना सुपर लीग करियर बर्बाद कर दिया। नंबर 7 पढ़ के रोना आ जाएगा। 24 पपीज जिनसे आप बेहतर कोच बन पाएंगे। जीतिए प्राइवेट आइलैंड $1 बिलियन और एक सॉलिड गोल्ड एल मेटाडोर एक्शन फिगर। ऐसे झांसे में आखिर आता ही कौन है?
पॉपअप एड से कैसे बचे? यस प्लीज। नहीं ये क्या? कोच तुम्हें पता होना चाहिए कि सस्पिशियस एड्स पर क्लिक नहीं करते। ठीक है कोच, ड्रोन का कंट्रोल अपने पास ले लो। शुरू होगा असली खेल। डांसिंग रास्ता। सबसे कहो इस गेम को स्लो कर दें। बहुत स्लो। उसकी जरूरत नहीं है कोच। पास धीरे दो, धीरे भागो और धीरे धीरे खेलो, समझे? जैसा आप कहे कोच। खराब हो रही है। ऐसे तो हम हार जाएंगे कैप्टन। देखो दोस्तों, हमें कोच पर भरोसा करना होगा, फिर चाहे उनके तरीके बहुत ही अजीब क्यों ना हो। यस। कम ऑन कंप्यूटर, मेरी टीम का मैच चल रहा है। नॉट श्योर। वो बड़ा वाला Zorgal? उनके स्ट्राइकर्स के साथ नरमी मत बरतो। हाँ, एक तरह से ये लड़के बहुत लाइटवेट हैं। टेक्निकली लाइटवेट नहीं है, समझे? पर आप खुद उनको हमेशा लाइटवेट कहते हैं। ओ, मैं कहता हूँ क्या सच में? अगर टीम में रहना है तो जो कहा है वो करो। यस सर। अब सुपर स्ट्राइकर्स के खिलाफ एक और गोल हो सकता है। सुपर स्ट्राइकर्स डिफेंडर्स का एक खतरनाक टैकल। रफियंस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कोच? रफियंस, तुम्हारे प्लेयर्स लाइटवेट्स हैं। लाइटवेट्स? तुम्हारे प्लेयर्स नियंडरथॉल्स हैं। प्लीज ऐसे वर्ड्स यूज मत करो जो मेरी समझ में नहीं आते हैं। उस फाउल के लिए पेनल्टी मिलनी ही थी और एक शानदार गोल। ठीक हो जा कंप्यूटर। आखिर कोच चाहते क्या हैं? शाबाश, तुम ये कर सकते हो कंप्यूटर। गुड कंप्यूटर। टोनी, तुम हो जीनियस, रहने दो इसको शॉट। मुझसे अच्छा ना देगा कोई आईटी सपोर्ट। ये है आईटी सपोर्ट। हेलो, मेरा कंप्यूटर बहुत देर से ठीक नहीं। आपकी कॉल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, प्लीज होल्ड कीजिए। ये बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। सब गड़बड़ हो गई, बेइज्जती हो गई। घबराओ मत दोस्तों, कोच के पास पक्का कोई एक्सप्लेनेशन होगा। एक्सप्लेनेशन? तुमने हमारी बेस्ट स्ट्रेटजीज को वेस्ट कर दिया। इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे तुम? कोच, आपकी नई स्ट्रेटजीज बेकार है। सुना आपने? बेकार है। मेरे मुंह की बात। बिल्कुल खराब। हम जीत रहे हैं टोनी। आप सही हैं, अभी खत्म नहीं हुआ। पर आप हमसे नाराज तो नहीं हैं? तो आप ये कह रहे हैं कि आपको हम पे नाज है? टोनी हमसे प्यार करते हैं। और इसलिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब वक्त आ गया है जब तुम बॉयज को थोड़ी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आपने सही कहा कोच। सच में हमें जीतना है, पर एक बटी हुई टीम कभी नहीं जीत सकती। तो क्या ख्याल है दोस्तों? मैं तो कहता हूँ कि हमें सेकंड हाफ कोच की इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ही खेलना चाहिए। जैसा आप कहें कैप्टन। टोनी है जीनियस, किंग ऑफ द ड्रोन्स। वो कोच बेचारे बैठे होंगे हाथ में लेकर फोन। डांसिंग रास्ता, ये सब क्या हो रहा है? तुम भी कोच की तरह पागलों जैसी बातें कर रहे हो। वो उससे ज्यादा बीमार है जितना हमने सोचा था। तो अब क्या किया जाए? मुझे कोच की बात ना मानना अच्छा नहीं लग रहा, पर और कोई चारा नहीं है। टेक्निकली लीड को बढ़ा पाएंगे? शेक्स को देखकर ऐसा नहीं लग रहा। अब होम टीम है पूरे फॉर्म में।
ये हुई ना बात। एल मैटाडोर का शानदार शॉट। अच्छी कोशिश डांसिंग रास्ता। पर याद रहे कि यहाँ पर किसकी चलती है। अब ये क्या है? सुपर स्ट्राइकर्स के कैप्टन को रिप्लेस किया जा रहा है। कोच की स्ट्रैटेजीज बहुत ही अजीबोगरीब हैं। पर डांसिंग रास्ता को बाहर बिठाना क्या? ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। रुको। क्या? कोच ने कहा है कि तुम जो भी करने की सोचो उससे उल्टा करना, उससे टेक्निकली के प्लेयर्स कंफ्यूज हो जाएंगे। लेफ्ट में जाना चाहो तो राइट में जाना, और अगर हाई रहना चाहो तो लो रहना। और अगर... बस समझ गए। बहुत हुआ। अब ट्विस्टिंग टाइगर लेफ्ट विंग पर है। शेक्स थोड़े कंफ्यूज हैं। ब्लॉक स्ट्राइकिंग पोजीशन में मौजूद हैं। और ब्रांडा? मैं देख रही हूँ मैक। एल मैटाडोर फिर से डिफेंस में? ये सब क्या हो रहा है? शक्ति चिपसन खतरनाक लग रहे हैं। और नॉट शो एक्शन के आसपास भी नहीं। ठीक है, थोड़ा राइट जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ। अब भागो। कोई फायदा नहीं। कम ऑन गाइस, मुझे इस तरह से धोखा मत दो। वो मैं हूँ। नहीं नहीं कोच, मेरा मतलब मैं नहीं, मेरा मतलब अपने खिलाफ वायलेंस नहीं। इस तरह आने के लिए सॉरी। आपके पास एक मिनट है, ये इंजरी टाइम में जाएगा। हे कोच, कमाल है, आपने अपने ही ड्रोन को तोड़ दिया। ये कैसी गलती है? मेरी अकेली गलती सिर्फ ये थी कि मैं तुम्हें सिखाने में इतना इन्वॉल्व हो गया कि मैं भूल गया कि तुम्हारे बीच फुटबॉल के सबसे बड़े लीडर्स में से एक है। रेफ, गुड बॉय रेफ। लगता है उन्होंने तुम पर जिम्मेदारी सौंपी है कैप्टन। कोच, अब सिर्फ 15 मिनट बाकी है। क्या सुपर स्ट्राइकर्स बिना कोच के वापसी कर पाएंगे मैक? अब तो ड्रोन कोच भी नहीं है ब्रांडा। शेक्स, एल मैटाडोर, पुश अप। टाइगर, स्विच। कूल जो, फिर से। शेक्स, नटमेग। एल मैटाडोर, कीपर को आगे लाओ। और अब गर्ल्स, तुम जानते हो क्या करना है। मैंने तुम्हें 2-0 की लीड दिलाई और फिर भी हार गए। उम्मीद करो कि ये ड्रोन कोचिंग का एंड हो ब्रांडा। पर क्यों मैक? एक कोच सिर्फ तब जमीन से 6 फुट ऊपर होना चाहिए जब वो उसके लायक हो। तुमने सही कहा था, मुझे बस थोड़ा सा आराम चाहिए था। और तुम सबके सब बीमार हो। हम सब नहीं कोच, मेरे कस्टम डिजाइंड हैजमेट सूट ने मुझे किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाने का काम किया है।
मेरा खूबसूरत चेहरा। मिस्टर वर्ल्ड, हम सुपर लीग डिसिप्लिनरी बोर्ड से हैं। हमें पता है आप यहाँ हैं। हमारे हाथ लग गए तो कभी कोचिंग नहीं दे पाएंगे। बेचारे बॉस भी धोखा खा गए।